अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अलग अलग जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को योग के लिए आगे आने को कहा जा रहा है। तो चलिए हम भी आपको दिखाते हैं योग के कुछ आसन, जिन्हें करने की सलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देते हैं। वृक्षासन। वृक्ष का अर्थ है पेड़। यह आसन शरीर को संतुलित बनाता है और सहनशीलता एवं जागरूकता बढ़ाता है। भुजंगासन। भुजंग का अर्थ है सर्प या कोबरा। यह आसन पीठ दर्द तथा श्वास संबंधी समस्याओं से निपटने में सहायक है। वक्रासन। वक्र का अर्थ है टेढ़ा या मुड़ा हुआ। यह आसन मेरुदंड के लचीलेपन को बढ़ाता है। यह कब्ज तथा अपच दूर करने और मधुमेह के प्रबंधन में सहायक है। त्रिकोणासन। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। ये समतल पैर से बचाता है, पिंडलियों, जांघों तथा कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और मेरुदंड को लचीला बनाता है। कपालभाति। ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद करें और पूरे शरीर को विश्राम दें। गहरी सांस भीतर लें। कपालभाति सामने की वायु नलिकाओं को स्वच्छ करता है। इससे कफ संबंधी समस्याओं के निदान में सहायता मिलती है। यह ठंड, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, अस्थमा तथा श्वास संबंधी रोगों के उपचार में सहायक है। ये आसन पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों से शेयर किए गए हैं।